हेलो दोस्तों और सभी एस्पिरेंट, वेलकम आप सबका। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के सिलेबस की। अगर हम बात करें विज्ञान संकाय की, तो उसमें दो पेपर होंगे। प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान के बारे में क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर दो सेकेंड पार्ट जो होगा, उसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो तीसरा होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, जीके क्वेश्चन होंगे वर्ल्ड के और इंडिया के। और जो इसका चौथा पार्ट होगा, उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आएंगे। इन सब का मिला के 100 क्वेश्चन की संख्या होगी और 200 अंक का पेपर होगा। और समय मिलेगा हमें कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। और फिर हम अगर हम दूसरे पेपर की बात करें, तो दूसरे पेपर में विज्ञान संकाय का आएगा, तो पूरे तरीके से विज्ञान का आएगा। उसमें विज्ञान का सेकंड स्तर का ज्ञान आएगा, जीव विज्ञान आएगा, बायोलॉजी जो सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का विज्ञान होता है, उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के होंगे। इन सभी का भी टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 2 घंटे का समय मिलेगा और टोटल दोनों मिला के 400 अंक के क्वेश्चन होंगे। और इसमें से अपने विज्ञान संकाय में तय किया जाएगा। और जैसे कि हम जान सकते हैं कि इसमें सभी होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होता है 40% नंबर लाने जरूरी है। और बाकी इसमें माइनस मार्किंग होती है, वो 1/3 होगी। हर एक गलत उत्तर का 1/3 अंक जो है माइनस किया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे विस्तार से दिया गया हर किसी सिलेबस का, जैसे राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान दिया गया है। उसके अंदर जैसे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, उनके राजवंश उपलब्धियाँ, मुगल राजपूत संबंध, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें, उन सभी का आएगा। फिर राजस्थान के भूगोल की बात करें तो स्थिति, विस्तार, अपवाह तंत्र, मृदा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संपदाएं, ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा जो पेपर होएगा उसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन होंगे, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान होएगा, जीके आएगा, इंडिया और वर्ल्ड का उसका भी होएगा, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आएंगे। उसके बाद जो सेकेंड पेपर होएगा उसमें विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होएगा, जिसमें बायोलॉजी के सेकेंडरी स्तर तक का उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जीव विज्ञान भी आएगा, और जीव विज्ञान के 2 तरह के होंगे। जीव विज्ञान का भाग अ होगा, जिसमें जो नॉर्मल होते हैं बॉटनी के क्वेश्चंस आते हैं, वो बॉटनी के क्वेश्चंस किए जाएंगे। उसके अलावा जो सेकेंड होएगा जीव विज्ञान का भाग ब या भाग बी, उसमें जो जेनेटिक्स आएगी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जूलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ देखा जाए तो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स आएगी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस, वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये सभी जो 11th 12th तक के सब्जेक्ट में, 11th से लगा के 11th 12th तक जो सारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं टॉपिक्स जो भी हैं सारे, इन सभी टॉपिक्स का। आगे भी इस तरह के वीडियोस और रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएँ। थैंक यू।